Assalamu alaikum everyone, I hope you're all well. I'm Madhu Rehan and this was long overdue. बहुत दफा बहुत लोग मुझसे पूछते रहे कि मेरा experience कैसा रहा with Zavier's admission in HSN College. Yes, I am that proud mom. वो प्राइड खुद से ही आ जाता है शुरू में जब आप प्रिपेयर करा रहे होते हो और बहुत आप अनसर्टन सिचुएशन से गुजर रहे होते हो तब एक और ही तरह का फियर होता है कि आई होप कि बच्चा आपका यू नो सक्सीड कर जाए और इस टेस्ट को पास कर जाए. लेकिन जब हो जाता है तो एक और ही सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है, ना सिर्फ बच्चे के लिए बट पेरेंट्स के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए. लेकिन जो प्रिपरेशन का टाइम होता है वो उसकी उसमें क्या क्या डिफरेंट मरहले आते हैं उसके ऊपर आज हम बात करेंगे. और आज मेरे साथ हैं मेहरुन्निसा. मेहरुन्निसा वालेकुम अस्सलाम. मेहरुन्निसा थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर. इट्स माय प्लेजर. एंड मेहरुन्निसा इज द वन जो कि मेरे लिए एक वो गाइडिंग लाइट थी और मैं जिस सिचुएशन से गुजर रही थी आप सबको पता है कि मेरी एक पीआर एजेंसी है जिसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट इवेंट्स हो रहे होते हैं. मुझे कल का नहीं पता होता कि कल कराची में होंगे या हम इस्लामाबाद में होंगे, रात कहाँ होगी, शाम कैसे गुजरेगी. यू नो इट्स अ वेरी अनसर्टेन बट वेरी फास्ट पेस्ड काइंड ऑफ वर्क. और उसके साथ यू नो एक मुझे पीछे बैक ऑफ द माइंड टेंशन थी कि एजेंसी की प्रिपरेशन भी मैंने अपने बेटे को साथ साथ करानी है बिकॉज मेरा जो घर और मेरा ऑफिस है वो बहुत साथ साथ लेके मैं चलती हूँ और उसमें मुझे मेहरुन्निसा ने बहुत हेल्प की. मेहरुन्निसा इज अ मदर हरसेल्फ. दैट्स हाउ आई स्टार्टेड ऑफ. एंड व्हाट अबाउट हिज इंग्लिश टेस्ट जिसकी जो उसका इंग्लिश में उसका स्कोर था वो बहुत अमेजिंग था कुछ ऐसा. ही इज जनरली अ ब्राइट किड. हां दैट अप्लाइज टू आई गेस मोस्ट किड्स हु डू एंड अप इन एचएसएन. दे आर जनरली गुड किड्स. अच्छा सो जिस तरह से आप लोग मुझसे पूछते हैं क्योंकि कुछ लोगों ने तो मुझे ऐसे मैसेजेस किए हुए हैं बल्कि एक मिनट मेरे मैसेजेस वहां रह गए. इट्स फाइन. ओके सो लोग मुझे जब बच्चा पैदा होता है जब बेटा पैदा होता है तो आई थिंक आपको पहले महीने में ही एक आपका एम्बिशन शुरू हो जाता है, एक आपकी स्कूल में डलवाना है, स्ट्रगल शुरू हो जाती है. लाइक आई थिंक विद एजेसन मोस्ट मॉम्स आर प्रीटी श्योर कि अच्छा मेरा बेटा तो अब पैदा तो हो गया है, अब ये जाएगा तो एजेसन में तो इसका क्या करना है. और वो पहले ही कुछ साल होते हैं जिसके अंदर आपने ऑब्वियसली उसके अंदर करना होता है बिकॉज ग्रेड डी में तो बहुत मुश्किल होता है. आई थिंक योर बेस्ट बेट इस साल तो देयर हैव बीन नो सीट्स फॉर 3, 4, 5, 6 सो इट वाज ओनली ग्रेड 2 एंड ग्रेड 7 एप्लीकेशंस इस साल नहीं ली फॉर एनी अदर ग्रेड. सो इट्स ओनली ग्रेड 2 योर बेस्ट चांस इज आइदर इन ग्रेड 2 और देन एक्सक्यूज मी इन ग्रेड 7. या सो दो चांसेस आपको मिलते हैं एडमिशन के. यूजली डिफरेंट स्कूल्स में तो आप जाते हैं और एडमिशन करा लेते हैं लेकिन एजुकेशन में ऐसा नहीं होता, इसीलिए इतना प्रेशर होता है कि आपने ग्रेड 2 में कराना है. ग्रेड 2 में बच्चे की उम्र मोस्टली होती है 5.5 to 6.5. ये एक आप लोग प्लीज नोट कर लें कि ये वाला टाइम होगा जिसके अंदर बच्चा टेस्ट में बैठेगा. और कट ऑफ होता है 30th May का. Okay. So any child born before that applies. Or usually age bracket is usually around 5.5 to 6.5. But ये एक बहुत अच्छी आपने जो बात मुझे बताई, मैं बहुत confused रहती थी, मुझे नहीं समझ आती थी जब मुझे स्कूल वाले बताते थे ना कि वो हम देखते हैं कि ओ he's a July born, wow, good job, ये तो इसको 6 महीने extra मिल जाएंगे. So ये एक और luck पे आपका depend करता है उसके अंदर कि बच्चा मई से पहले पैदा हुआ है या बाद में पैदा हुआ है. 6.5 year old usually has an edge over a 5.5 year old. So it does get unfair that way, लेकिन that's how it is. Yeah, उसके अलावा I think इसके अलावा उनके पास कोई choice भी नहीं है. हाँ, एक साल वाला तो है. ये तो हर school में ही है. एक age bracket उन्हें set करना होता है. तो उस जब इनिशियल ये वाले इयर्स होते हैं 3 महीने का फर्क भी बहुत ज्यादा होता है बच्चे का. आप देखेंगे यू नो आप जब एक न्यू बॉर्न जो भी पैदा होता है उसको देखें और एक 2 हफ्ते के बच्चे को देखें बहुत फर्क होता है. सो वैसा ही फर्क आपको एटलीस्ट पहले 7 साल तो आपको ऐसे ही फर्क मिलता है. और जब अगर वो 3-4 महीने का भी एज अगर आपको मिल जाता है तो वो वैसे मुझे लगता है कि वो पेरेंट्स को जरा ज्यादा सुकून होता है. बच्चे आपस में जब वो खेल रहे होते हैं तो वो ठीक है. इवेंचुअली इतना एज गैप नहीं रहता लेकिन इनिशियल इयर्स में जो एज है इसमें डेफिनेटली फर्क पड़ता है. ईच मंथ काउंट जितने महीने ज्यादा हो उतना ही एडवांटेज है आपको बट अनफॉर्चुनेटली दैट्स हाउ इट इज. बच्चे बहुत छोटे होते हैं जब अपीयर होते हैं. आई इवन हैड किड्स हु वर 5 years old व्हेन दे अपीयर्ड फॉर एजेसन और बाकी 6.5, 7 होने वाले होते हैं दैट ईयर. तो ये 5 वाले कैसे हैं? 5 बेसिकली वो June 1st को उसकी डेट ऑफ बर्थ थी. Oh my God, some अच्छा. I know, okay, you didn't get it that way.
जब आपका एडमिशन हो भी जाता है तो उसके बाद आपका एक मेडिकल टेस्ट होता है बच्चों का, जिससे वो आइडेंटिफाई करते हैं क्या इन्होंने, क्या पेरेंट्स ने या कोई फाउल तो नहीं है, कोई झूठ तो नहीं बोला इन्होंने, बड़े बच्चे को छोटी उम्र करके तो नहीं, बिकॉज बहुत सारे ऐसे भी केसेस पकड़े गए हैं, बल्कि बहुत सारी एक्सपल्शन हो जाती हैं आफ्टर देव क्लियर द टेस्ट, उनको निकाल देते हैं क्योंकि मेडिकल टेस्ट में पता चल जाता है उनके माइंड में I don't see how. HSN ये नहीं पूछेगा पेरेंट्स की क्या क्वालिफिकेशन है, बट ऑब्वियसली अगर पेरेंट्स खुद पढ़े लिखे हैं तो बच्चों को जरा बेहतर प्रिपेयर करवा सकते हैं. लेकिन HSN itself ये डिस्क्रिमिनेट नहीं करता कि माँ बाप कितने पढ़े लिखे हैं या माय हाउसवाइफ्स हैं या व्हाटएवर. दे डोंट डिस्क्रिमिनेट दैट वे. अच्छा, और बेस्ट एकेडमी फॉर प्रिपरेशन ऑफ HSN एंट्री टेस्ट. मदर्स का बोले आई थिंक अब तो हर कोने में हर गली में प्रेप स्कूल्स खुल गए हैं. वैसे दैट्स ओनली इन लाहौर. जो बहुत सारे जावेर की क्लास में बच्चे हैं जो सरगोधा से आए हैं, गुजरांवाला से आए हैं, अभी आपके पास एक बच्चा मियांवाली से प्रिपेयर करने के लिए आता है. सो लाहौर में तो बहुत सारी जगह हैं, लेकिन आई फील कि आप अपने बच्चे को देखें कि उसकी क्या नीड्स हैं, उसको कहाँ पे अटेंशन की जरूरत है. बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे बहुत बड़े ग्रुप्स के लाइक में बच्चों को पढ़ाया जाता है. कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे बहुत पर्सनल अटेंशन दी जाती है. जैसे जब मुझे मेरुनिसा का पता चला था तो मुझे जो सबसे अच्छी बात ये लगी थी कि वो बहुत सिलेक्टेड छोटा सा उनका ग्रुप था. जब जाके आता है आई स्टिल हैव अ कैप, आई डोंट टेक मोर देन 8 स्टूडेंट्स. सो या वो मेरी वो कैपेसिटी, आई थिंक आई कैन नॉट फंक्शन बेटर विद अ ग्रुप बिगर देन दैट. बट ऑब्वियसली एकेडमीज हैं जिनका एक सिस्टमैटिक वे में चलते हैं, दे हैव टीचर्स अंडर देम जो ग्रुप्स में डिवाइड करके बच्चों को लेकर चलती हैं, एंड दे डूइंग प्रीटी वेल. कुछ हाँ बहुत अच्छी है, लाइक जैसे हम जावेर की क्लास टीचर, बहुत सारी क्वेश्चन मुझे यहाँ पे भी आया है कि जावेर की कौन सी टीचर थी. तो जावेर की टीचर मेरुनिसा है जिन्होंने उनको पढ़ाया, और संजुम को जो क्लास थी उसके अंदर मैं ख्याल है सिर्फ मेरे ख्याल 3 या 4 बच्चे नहीं हुए थे, बाकी सब बच्चे हो गए थे. एंड वाज लाइक एक रिकॉर्ड था उनका कि बच्चे यू हैव टू रियलाइज 6 आवर्स देयर एट स्कूल. और स्पेशली कोरोना में आई रियलाइज क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं गए इस साल, देर ऑल रियली स्ट्रगलिंग दिस ईयर. सो इससे पता लगता है स्कूल डज मैटर बाय द एंड ऑफ द डे. आप ट्यूशन डलवाओ अगर डलवा सकते हो, नहीं डलवा सकते ना डलवाओ. सो स्कूल आई थिंक डज प्ले अ वेरी क्रूशियल पार्ट. तो प्रिपेयर अगर आपने कराना है तो एक में टाइमिंग, एक टाइमलाइन भी होती है. बहुत सारे लोग कहते हैं क्योंकि हम कब से कराना शुरू करें, यूजुअली आखिरी साल लोगों को याद आता है. आखिरी साल और आखिरी महीने 3-4 महीने, हां, और आखिरी 3 महीने प्रेप स्कूल्स भाग में है, लाइक द मोस्ट फेमस वन किड्स कैंपस हो गया, लर्निंग अलायंस हो रहे. बट आई थिंक दैट्स अ बैड आइडिया. यू शुड स्टार्ट अर्ली. अगर HSN के लिए करवाना है और आपको पता है कि HSN का शौक है, तो फिर इंस्टेड ऑफ आखिरी महीने में बच्चे पे प्रेशर आप डालो और जहनी मरीज बना दो, उससे बेहतर है कि आप यू शुड आइडियली बी स्टार्टिंग अराउंड KG टाइम. KG के टाइम पे उसको पढ़ाना थोड़ा थोड़ा शुरू कर दो, ताकि आखिर में बच्चों पे प्रेशर ना हो. अच्छा, टिप्स दैट कैन वर्क आप बताएं. आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप, मेक योर चिल्ड्रन गुड रीडर्स. वेरी इम्पॉर्टेंट. आई थिंक दैट इज आई गारंटी यू इफ योर चाइल्ड इज अ गुड रीडर ही विल गेट इट. और आपको पता है जब जावेर को मैंने मेरुनिसा के पास भेजा था तो वो ही कुडंट रीड, लाइक उसको वर्ड तोड़ तोड़ के तो पता था कि ये क्या है, बट वो एक फ्लुएंसी नहीं थी रीडिंग में. और सबसे पहली बात मेरुनिसा ने मुझे एक टास्क दिया था कि आंधी आए, तूफान आए, कुछ मिस होता है, वो ये आपने आधे घंटे की रीडिंग जरूर करनी है, तुम नहीं करा सकती तो रेहान कराएंगे. एंड यू नो, और फिर उन्होंने अल्टीमेटम भी आपको दिया था कि वरना नहीं होगा. आई सेट अ टाइमलाइन कि अगर बाय द एंड ऑफ दिस मंथ इफ ही इज नॉट एबल टू रीड दीस बुक्स, मेरा जवाब है. यू हैव टू रियलाइज दैट रीडर्स आर इवेंचुअली मेड ऑन द लैप्स ऑफ देयर पेरेंट्स. वी टीचर वन ऑन वन बिठा के आपको बुक्स नहीं पढ़ा सकती, तो आपका काम है कि आप मेक देम गुड रीडर्स. इफ दे गुड रीडर्स, 70% मसले आपके वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे. So that's the first thing, and start early.
शुरू से ही कुछ कुछ कराना शुरू कर दो तो आखिर में आके आई पर्सनली बिलीव इट्स वेरी अनफेयर कि आखिरी 3 महीने पहले जब आप बच्चे पे आके प्रेशर डाल देते हो कि अब सब कुछ हो जाए वो बच्चे पे बहुत नाइंसाफी है बल्कि आखिरी 3 महीने में थोड़ा सा जरा इजी हो जाना चाहिए मेरी ये पॉलिसी आफ्टर 2 मंथ्स टेक इट इजी उससे पहले आप पढ़ाओ प्रेशर डालो बट लास्ट 2 मंथ्स बच्चे मैंने देखे हैं ज़हनी मरीज बना देते हैं हमारे अच्छा वैसे खुद भी प्रेशर हर पेरेंट जो इस प्रोसेस से गुजरता है वो थोड़ा थोड़ा ज़हनी मरीज एंड एंजाइटी ऑफ द पेरेंट ड्रॉप्स ऑफ ऑन द चाइल्ड एज़ वेल और वैसे बाय द वे मैं आप लोगों को एक बात बता दूं बहुत दफा रोने के बाद धोने के बाद मैं मेरे सर को कॉल करके कहती थी मैंने सर मैं गिव अप करने लगी हूँ बस मैं गिव अप करने लगी हूँ क्योंकि ऐसी सिचुएशन होती थी सब ट्यूशन भी नहीं जा रहा था लाभ यार और उसके अंदर भी मुझे इतनी सपोर्ट थी इनकी और मुझे कहती थी नहीं 2 थप्पड़ लगाओ उसके बाद ठीक हो जाएगा बिकॉज इतनी मेहनत की होती है आपने और कभी कभार बच्चा यू नो बिकॉज वो भी बच्चा है और वो भी थक जाता है और वो भी टैंट्रम्स दिखाता है और वो ऐसे एक्ट करता था कि मुझे कुछ आता ही नहीं है लाइक उसको कुक का टेबल भूल गया और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत ब्राइट होते हैं लेकिन उधर जाते हैं हमारा दिल नहीं चाह रहा है वो बहुत ब्राइट है लेकिन जब मैं उसको पढ़ाऊंगी ना तो वो एक्ट करेगा तो वो दुनिया का सबसे डम बच्चा है ना वो इधर उधर की बातें करेगा मुझसे और रैंडम मुझे चीजें याद कराएगा बस पढ़ना नहीं है उसने मेरे साथ लेकिन जब मैं टीचर्स के साथ देखती हूँ तो वो कहती है कि छोड़ दोगे स्कूल पे और फिर आखिरी साल आपको याद आएगा कि स्कूल के पास जाओगे आपने क्या करवाया कुछ कराता नहीं था ये मुझे लगता था लेकिन उसके बाद मुझे इस बात का बहुत एहसास हुआ था कि स्कूल से बहुत ज्यादा मेहनत कराते हैं लेकिन ये स्कूल आपकी ट्यूशन टीचर और आपका ये एक तीन लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उस वक्त मैं आपको बताऊं बच्चा जिस जोन में होता है ना मुझे याद है कि उसके बेचारे पास यू नो मैं सिर्फ यूनिफॉर्म चेंज करने का खाना भी उसको मैं साथ साथ खिला रही होती हूँ कि अब ये उसका एक टाइम टेबल था और बीच में कोरोना की वजह से जब वो डिस्ट्रप्ट हुआ ना तो उसको भी एक फ्रीडम का नेक्स्ट लेवल मिला क्योंकि यू नो अब तो मैं कहीं जा ही नहीं रहा हूँ तो वो एक थोड़ा चैलेंज था बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह चीजें बट रूटीन लेकिन इन एनी केस एचएसएन और नो एचएसएन आई थिंक रूटीन बच्चे की वैसे भी होनी चाहिए एट दिस एज उससे ज्यादा ग्रो करते हैं ज्यादा लर्न करते हैं अगर यू नो एक फिक्स टाइम रखो सोने का उठने का पढ़ने का ये मुझे मैंने नहीं समझाया था टाइम से सुनाओ अगर आप ग्रेड 2 के लिए अपेयर करा रहे हो तो आपको ग्रेड 2 पूरा आना चाहिए अगर ग्रेड 3 के लिए अपेयर कर रहे हो तो ग्रेड 3 उसको ग्रेड 3 लेवल पे होना चाहिए यानी ये एक जो नेक्स्ट क्लास है उस लेवल पे होना चाहिए कोर्स पूरा और रीडिंग लेवल और आपका रीडिंग लेवल बेसिकली उस लेवल पे होना चाहिए अच्छा एचएसएन की जो आउटलाइन होती है उसमें वो जिस तरह ग्रेड 2 का ग्रेड 1 के लिए आउटलाइन इतनी मुश्किल नहीं है लेकिन जनरली हम और प्रिपेयर कराते हैं बच्चों को ये हम ओवर प्रिपेयर कराते हैं जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड वैसे उनकी जो कोर्स आउटलाइन होती है वो ग्रेड 1 की ओवर प्रिपेयर नहीं कराते टू बी ऑनेस्ट वो पेपर मुश्किल होता है ग्रेड 2 लेवल का ही होता है पेपर लेकिन उन्होंने बताया होता है कि ग्रेड 1 का एक सिंपल सी आउटलाइन दी होती है जो कि देख के लगता है नो प्रॉब्लम बट जनरली आते हैं बट दैट्स द केस विद ऑल स्कूल्स इवन कराची ग्रामर स्कूल के लिए अगर आप अप्लाई करो तो यू हैव टू लाइक डू द एंटायर कोर्स फॉर दैट Yeah, that you're applying for. अच्छा, okay. अब इसमें है और क्या है? अच्छा, kinship.
किनशिप मैटर करती है, अगर आपका भाई या आपके अब्बा या आपके दादा वहाँ पर ऑलरेडी यू नो वो एचिसोनियंस है, तो आपको क्या एज मिलता है इसके ऊपर? इन आई थिंक इस बार उन्होंने मेंशन तो नहीं वैसे किया हुआ था कि किनशिप करेगी, लेकिन अपेरेंटली नॉट ऑफिशियली बट वो देखते हैं कि बिकॉज एजिसन इज ऑल अबाउट अ लेगेसी, ठीक है, बहुत अरसे से जो लोग चले आ रहे हैं एजिसन में. अच्छा, लेकिन मोस्ट ऑफ माय स्टूडेंट्स हू गॉट इन उनकी किनशिप नहीं थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट. इसलिए मेरा मानना है कि इट डजंट मैटर इफ योर किड स्कोर्स हाई, इट शुडंट बी एन इशू. और मैं ऐसे पेरेंट्स को जानती हूं, लाइक कुछ ऐसे बच्चे थे मेरे जैसा जो कि बहुत ब्राइट थे और उनका वो मुझे पता था कि ये नहीं होंगे, तो नहीं वो कहते ना मूड खट्टे हैं जिनका नहीं होता, वो कहते हैं कि नहीं सिफारिश है नहीं मानती. लाख बहुत काउंट करते हैं उस दिन बच्चा जाके क्या करता है. किनशिप मे बी फॉर लाइक आई कांट से, बट एजिसन खुद कहता है नहीं है, आई बिलीव नहीं जरूरी है. हर तरह का बच्चा जा रहा है. मेरे जो यूजुअली बच्चे जो हुए हैं जिनका मेजोरिटी ऑफ देम दे हैड नो एसोसिएशन विद एजिसन बिफोर. अच्छा, सो आई वुड से इट डज नॉट मैटर इफ योर चाइल्ड इज वेल प्रिपेयर्ड, इट्स नॉट एन इशू. और वहाँ जाके परफॉर्म भी करता है, दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट. तैयारी तो सब करवाते हैं, उधर जाके बच्चा क्या करता है उस दिन, वो क्या फील कर रहा है, I think that's very important too. Okay. Age for admission हमने already बता दिया है. Usually around 5.5 to 6.5 year के bracket में. How when did you start? How did you prepare and for how long? मैंने start किया था June में. Usually parents September October में start करते हैं और कुछ लोग तो बिल्कुल ही end के 3 महीने करते हैं, but मैंने June में इसलिए start किया था बिकॉज मुझे पता था कि ओके अब स्टार्ट हो जाना चाहिए. और मैंने पेरेंट्सा के पास भेजा था. और हम बीच में हमने कब अपना ऑफ किया था? कोरोना के टाइम. कोरोना के फॉर 2 मंथ्स फेब्रुअरी एंड मार्च वी डिड ऑनलाइन फॉर 2 मंथ्स, बट देन वी टुक आई थिंक अ मंथ ऑफ एंड देन फिर एग्जाम हो गया था. हां, सो या फ्रॉम व्हिच एज ग्रुप डज एजिसन टेक ऑन स्टूडेंट्स? ये तो हमने कर लिया हुआ है. 5.5 to 6.5. So just the best places for its test preparation. ये अब हम क्या बताएं आपको कि कौन कौन से देखिए स्कूल जो है वो 3 स्कूल्स हैं बेसिकली. लर्निंग अलायंस है, किड्स कैंपस है जहाँ सावे आके आया, मैंने उसको जफर अली रोड में भेजा था लेकिन उसके बेशुमार ब्रांचेस हैं. डिफेंस में भी है, जौहर टाउन में भी है, एंड देर ऑल इक्वली गुड. इसके अलावा लोरेटो हाउस के बारे में मैंने बहुत सुना है, वहाँ पर बहुत लोग बच्चे अपने भेजते हैं. और इसके अलावा प्लीज़ आप ये मत समझे कि इन 3 स्कूल में ही डालेंगे तो आपके बच्चे का एडमिशन होगा. अगेन आई सेड कि जावे आपके स्कूल में ऐसे भी बच्चे हैं जो कि डिफरेंट सिटीज से आए हुए हैं, उनके पेरेंट्स ने उनको प्रिपेयर किया हुआ है. ये आपकी अपनी डिटर्मिनेशन है कि आप बच्चे को, ये एक थोड़ी सी डेडिकेशन है जो आपने करनी होती है कि ओके वो जो 2 साल है अगर आप खुद टाइम दे सकते हो बच्चे को तो आई डोंट थिंक स्कूल मैटर्स. बट जनरली आई वुड सजेस्ट के डलवा दें क्योंकि प्रेप स्कूल्स यूजुअली हैव एन एक्सेलरेटेड प्रोग्राम, वो बच्चों को उसी तरह ही प्रिपेयर करते हैं और ज्यादा पढ़ाते हैं. उनकी रेगुलर कुछ होते हैं, इनकी रेगुलर स्ट्रीम्स भी होती हैं और एजिसन की अलग स्ट्रीम्स होती हैं. तो रेगुलर स्ट्रीम वाले बच्चे इतना नहीं पढ़ते जितना एजिसन स्ट्रीम वाले बच्चे पढ़ते हैं. जिसमें लर्निंग अलायंस में आई बिलीव देयर आर 2 स्ट्रीम्स, देयर इज अ डिफरेंट स्ट्रीम फॉर किड्स कैंपस में भी ऐसे ही. उन्होंने एंड में आके वो एक गर्ल्स का और कुछ 4-5 बॉयज का सेक्शन बना दिया था जिसके अंदर प्रेप स्कूल में यूजुअली एक्सेलरेटेड प्रोग्राम होता है. आई थिंक आई वुड सजेस्ट कि वो दे डू अ बेटर जॉब. दिस इज वेरी क्यूट. आई वांट ईच एंड एवरी टाइनी डिटेल इवन दो माय बेबी इज ओनली 1 ईयर ओल्ड. सो व्हाट टू गो टू एजिसन. हाँ, अभी के लिए रिलैक्स कर स्टार्ट रीडिंग बोर्ड बुक्स. गेट इन टू द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स. अच्छा, आप में जितने क्या हैं आप प्लीज बुक्स में ये तो फिर इस तरह किए हैं. हाँ, ये वैसे बड़े फेमस बुक रेडिएंट विमानी हमने भी बचपन में वो ये हाँ ये पढ़ी हुई है. आई थिंक केजी में बच्चा शुड बी एबल टू रीड दिस बुक इजीली. ओके, और इसके लेवल्स हैं रेडिएंट में 1, 2, 3, 4. एंड आई थिंक बाय द ईयर ही इज अप्लाइंग फॉर ही शुड बी डन विद ऑल 4 लेवल्स. और ये जो लेडी बर्ड और लेवल का मतलब ये नहीं है कि बस ये वो बट माँ बाप भी मेरे पास आते हैं कि आपने कहा था जनरल गाइडलाइन की ये इस लेवल पे होना चाहिए. एक ये बुक है विच इज लाइक हाईली रिकमेंडेड. एक ये बुक्स है लेडी बर्ड की भी विद मी. ये भी आप लेवल 1 से स्टार्ट करें मेक यू होया. उसके अलावा ये बुक्स हैं ये विफ चेक पेपर वाली इज आगे आगे फेवरेट. ये हां लाइक रियली नाइस बुक्स. ये भी लेवल 2 से लेवल 9 तक इजीली मिल जाती है आपको. तो इन्वेस्ट इन दिस बुक्स, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है. और रीडिंग पे बहुत फोकस रखें. रीडिंग अच्छी होगी तो पेपर अटेम्प्ट कर सकेगा.
रीडिंग अच्छी होगी तो ग्रामर अच्छी होगी, रीडिंग अच्छी होगी तो ऐसे अच्छे लिखेगा। अच्छा, इस पेज पे सारी वही बातें कि आपने क्या किया था, जिस लाइक यू नो किड्स कैंपस तो वो जा रहा था, लेकिन अदर दिन किड्स कैंपस आप क्या कर रही थी, वो कहाँ प्रिपेयर कर रहा था, वो मेहरुल निसा के पास जा रहा था। इसके अलावा मेहरुल निसा जब अगेन जिस तरह बात कर रही थी, बहुत फोकस करती थी कि वो रीड कर सके, वो रीडिंग की डिफरेंट बुक्स पढ़ सके, उसमें उन्होंने तीनों बुक्स दिखा दी जो कि मैंडेटरी थी, ये तो आनी ही आनी है, इसके अलावा अगर और आएंगी तो ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो इसको टेस्ट को एस कर सके। एंड देन देयर इज एन कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, कोई भी हो अनसीन पैसेज होता है, तो बच्चे की इतनी रीडिंग होनी चाहिए कि कोई भी पैसेज कंफर्टेबली पढ़ सके। और ज़ाविया के केस में आई गेव हिम अ लॉट ऑफ वन ऑन वन टाइम, बिकॉज सब मेरे पास बच्चे उस वक्त जून में नहीं आना शुरू हुए थे, बट यू हैव टू रियलाइज टीचर्स के पास इतना टाइम नहीं होता, इसलिए मुझे लगता है कि आप जून से तो पहले आप स्टार्ट करें। वैसे आपको एटलीस्ट एक पूरा साल चाहिए बच्चे को प्रिपेयर करने के लिए, वो आप खुद ही देख लें कि अभी मार्च अप्रैल, और अगर प्रेशर नहीं डालना तो मेक देम गुड रीडर्स, केजी में आप रीडिंग शुरू करवा सकते हो। अच्छा, वे कैन आई गेट पास्ट पेपर्स फ्रॉम पास्ट पेपर्स? एचएसएम डज नॉट रिलीज इट्स पेपर्स। जनरली जो पेपर्स जो सर्कुलेट होते भी हैं, जो क्लेम करते हैं, वो यूजुअली बेसिकली जिस तरह ज़ाविया फॉर एग्जांपल ग्रेड टू में उसकी जो शीट्स हैं वो मैं यूज करके कहूँ कि देखो एचएसएम के पेपर्स हैं, या टीचर्स खुद पेपर बनाते हैं एचएसएम का लोगो डाल देती हैं। एचएसएम डज नॉट रिलीज इट्स पेपर्स, जाहिर पता लग जाता है कि इस साल पेपर में क्या है, तो एक जनरल आइडिया है, बट पास्ट पेपर्स आज सच नहीं है। आप बुक्स लें ग्रेड टू की, कोई भी कॉम्प्रिहेंशन की बुक्स ले लें, मैथ की बुक्स ले लें, हजारों हैं, इंग्लिश बुक वन जब निकालो 10-15 निकाल देते हैं, और ये पास्ट पेपर्स के चक्रों में मत पड़े। अच्छा, और दूसरी बात ये, मेरे साथ आपका एक यू नो आप एक सर्टन तरह का एक सेट बनाती थी इंग्लिश उर्दू मैथ टाइप का, जिसके अंदर पेपर टाइप ही होता था, हर टीचर अपने लिए कुछ ऐसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए। ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, बुक्स हैं, हम खुद भी बनाते हैं, लेकिन यही रिसोर्सेज यूज करते हैं, बुक्स हो गए, ऑनलाइन रिसोर्सेज हो गए, लेकिन एक पैटर्न बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल इस हफ्ते हमने टाइम करना है तो टाइम की शीट निकाली, तो एक सिस्टमैटिकली भी चलते हैं, बट ये नहीं है कि बस वही पेपर नहीं मिलेंगे तो क्या हो जाएगा। यू कैन इजीली टेक आउट दोस पेपर्स ऑनलाइन। K5 लर्निंग एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, बहुत यूज करते हूँ, और दूसरी मदर्स को भी बताती हूँ कि जो होम स्कूल कर रहे हैं बच्चे, वो K5 लर्निंग ग्रेड लेवल होता है, KG लेवल, ग्रेड 1, ग्रेड 2, यूज दोस शीट्स, दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा आई थिंक मिलियंस ऑफ रिसोर्सेज यू कैन गेट ऑनलाइन। उसके अलावा फिर भी समझ नहीं आती तो गो टू एन इंग्लिश बुक ऑनर, जो उनको कहें कि आप ग्रेड 3 की मुझे बुक्स निकाल दें, या ग्रेड 1 से स्टार्ट करें, ग्रेड 1 की बुक्स निकालें, कॉम्प्रिहेंशन की बुक्स लें 5-6, मैथ की हजारों बुक्स होती है। यानी कि जब आपका बच्चा 4-4.5 साल का हो जाए ना, आप स्टार्ट कर दें उसकी तैयारी, और आहिस्ता लेकर चलें, क्योंकि जब टेस्ट हो रहा होता है तब कुछ बच्चे बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाते हैं, इसलिए अगर आपकी पहले से तैयारी होगी तो आसान हो जाएगा आपके लिए। और जब आप पहले से तैयारी करना शुरू करते हैं तो आप में भी इतना बोर नहीं होता, आप पांच साल के बच्चे पे आप आखिरी 4 महीने में इतना प्रेशर डालते हैं शुरू से ही उसको, HSN or no HSN, I think that applies to all kids. Thoda base banani chahiye initially as well. I think it's very important. So what's the difference between HSN and other schools? Batai ji, hame itna shauk hai HSN. 50 fee, extracurricular programs. Aap madam ne aap bataya na, aapne dilwaya. HSN is like one of the most prestigious you know colleges in Pakistan, not only in Pakistan but in South Asia. It's also a member of those G30 schools जो के दुनिया भर में you know आपके best जो जिनकी reputation होती है जिन colleges की जिन schools की वो उस वो 30 schools हैं दुनिया में, ठीक है, वो एक ये एक association है जिसके अंदर वो HSN भी आता है, और HSN एक बहुत पुराना school है, 1885 में बना था, right? हाँ ऐसा ही है, कुछ 1800 में बना था, and सब कॉन्टिनेंट का एक पुराना जहाँ पे शहजादे पढ़ते थे, यू नो एक ये भी तो एक वाइब है, जब आप एचएसएन में जाते हैं तो आप बस आपको लगता है कि वाह, यू नो यू फील गुड अबाउट योरसेल्फ एंड अबाउट योर चिल्ड्रन, एंड देन आप जब एचएसओनियंस को देखते हैं, खुला मैदान, ना कि बच्चों को खुद में डाल के स्कूल में, जगह जगह तो गलियों में खुले स्कूल, एचएसएन का ये फायदा कि आप जाते हो तो लगता है कि स्कूल है, और वहाँ के जो एक्स्ट्रा करिकुलम में इतने सारे स्पोर्ट्स, इतने सारे हाउसेस, उनके अंदर का यू नो एक कम्पिटिटिव जो बच्चों में एक आती है, जो डेवलप होती है लीडरशिप, जो डेवलप होती है वो सब कुछ, एंड देन उनके जो यू नो जो लोग एचएसएन से पढ़े हुए हैं अब वो इतने बड़े बड़े लीडर्स हैं, जैसे हमारे इमरान खान भी एचएसएन से है, बहुत सारे ऐसे लोग जिनको आप आइडियलाइज करते हैं, तो आपका एक वो एक बेंचमार्क करना शुरू कर देते हैं, आपके बच्चे भी उनको बेंचमार्क करना शुरू कर देते हैं, तो आई थिंक
वो एक बात है, और दूसरी बात ये कि अगर आपके पेरेंट्स में से कोई आपका हस्बैंड या आपका भाई एज से मिलता तो वो भी एक आप यू नो उसी में आप कंटिन्यू करते हैं क्योंकि यू नो आई वांट टू मेरा बेटा भी जाए, बट बाकी स्कूल्स भी बहुत अच्छे हैं अगर टू बी ऑनेस्ट. जब मुझे आई थिंक एचएसएन से ज्यादा रिजल्ट्स जो ओ लेवल्स के बीकन हाउस के जनरली ज्यादा अच्छे हैं. बीकन हाउस एचजीएस एचजीएस जीटी बहुत अच्छा है. इसके अलावा और भी बहुत सारे, या मैं जो हूँ वो मैं बिहारी से पढ़ी हुई हूँ, ठीक है. मेरा स्कूल मुझे लगता है कि जितना डीपीएस वाज माय स्कूल इन बिहारी और जितनी अच्छी उन्होंने मेरी बेस बनाई है उतनी अच्छी मुझे लगता है कि अब मैं एचजीएस के बच्चों को जब मैं इंटरव्यू कर रही होती हूँ और जब मैं उनको कहती हूँ कि मुझे एक आर्टिकल लिख के दिखाएं उसके अंदर इतनी ग्रामर की मिस्टेक्स होती हैं, मैं मुझे इतना कहती हूँ कि मुझे अपना वो टीचर देसी सा अंग्रेजी टीचर याद आ रहा है जिसने मेरे टेंसेज इतने करेक्ट कराए थे, जिसने मुझे पंक्चुएशन इतनी अच्छी सिखाई थी. सो इट्स नॉट ओनली यू नो एक स्टेटस सिंबल की बात नहीं है आपका स्कूल अगर किसी और शहर में है तो और भी बहुत सारे अच्छे स्कूल हैं. टीचर्स आपके बहुत मैटर करते हैं जो आपको यू नो डिसिप्लिन सिखाएं, आपको एक कोड ऑफ लाइफ सिखाएं, वो बहुत मैटर करता है. इट्स नॉट ओनली अबाउट कि आपका बच्चा जो है सबसे बड़े स्कूल में जा रहा है. सो आप प्लीज ये मत समझें कि अगर आप कहीं जैसे मिल उन माओं के लिए जो कि कराना चाहती हैं, और अगर वो कराना चाहती हैं तो उनके लिए कुछ हेल्प हो जाएगी. अच्छा ओके, हाउ मच लॉन्ग डिड योर सन टुक टू गेट फुली प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट? कितना टाइम लगा एंड तक? मुझे लग रहा था कि प्रिपेयर भी हुआ जस्ट टू बी साल में तैयारी हो जाती है. डोंट वेट फॉर द लास्ट 5 मंथ्स टू प्रिपेयर योर चाइल्ड प्लीज. बहुत टॉर्चर है, बहुत जुल्म है बच्चों पे शुरू से ही. थोड़ा थोड़ा पढ़ाना शुरू कर दें ताकि एंड पे प्रेशर ना हो. अच्छा मोस्टली क्वेश्चन ये है कि प्रिपरेशन के लिए क्या क्या करना चाहिए. अच्छा माय सन इज गुड बट डू डज सिली मिस्टेक्स इन टेस्ट्स एंड मॉक्स. एनी की टिप्स और टीचर्स डू यू रिकमेंड? मैं भी यही कहती रहती थी बट बच्चे कर जाते हैं, मतलब वो बच्चे हैं उनका मूड है, किसी दिन है किसी दिन नहीं है, किसी दिन वो बड़ा अच्छा पेपर करता था किसी दिन नहीं करता था. ऐसे है बच्चों के साथ, सो अनप्रेडिक्टेबल है इसलिए जो बच्चे बहुत अनप्रेडिक्टेबल होते हैं मोस्टली. अच्छा कौन सी जाविया की, कौन सी टीचर थी? जाविया की टीचर मेरे ने साथ थी और जाविया की टीचर एक महीने के लिए वो मिस बीनिश के पास भी गया था. मिस बीनिश जो है उनका कर्मा चौक के पास घर था, उन्होंने बहुत हेल्प की लास्ट जो मंथ था. और उन्होंने तो मुझे फ़ोन करके कह दिया था कि ये तो जो है ना हालात बहुत ख़राब हो गए, बल्कि ये एक बहुत अच्छी बात है. और मैंने मेरे ऐसा को भी कॉल करके कहा कि ओके वो प्लान जो बीनिश के पास जा रहा है, उन्होंने भी मुझे जवाब दे दिया. मैं क्या करूँ, मैंने कहा हाँ मैं क्या करूँ, उन्होंने तो जवाब दिया. एक हफ्ता रह गया था टेस्ट में, मैंने कहा ये तो ये सीरियस नहीं हो रहा जाविया, यू नो वो बेचारा सीरियस कैसे होता है? कोरोना की वजह से सब कुछ बंद था और जाविया को पक्का शोर था कि 2 दफ़ा पहले भी मेरा टेस्ट आगे हो गया और ये भी ये सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं, ये इन्होंने एंड में कह रहे हैं कि मेरा टेस्ट आगे हो गया. लेकिन उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी बात बताई थी, उन्होंने मुझे लाइक ये एक कलेक्टिवली हमने सोचा था कि जब बच्चा इतनी बार बार टेस्ट आगे हो रहा है तो उसका वो एक वो जो स्पिरिट है वो भी बार बार ख़राब हो रही है, वो उसकी जो अटेंशन स्पैन है कितना सा होता है बच्चे का. खैर उसको हमने रिटेन करने के लिए ये किया था कि हमने उसको एक मोटिवेशन दी थी कि अच्छा जाना तुम्हारा जिस दिन एजुकेशन में एडमिशन होगा हम तुम्हें पीएस प्ले स्टेशन लेके देंगे. तो बस फिर सिर्फ फोकस पढ़ाई नहीं होनी चाहिए. बच्चा भी तंग आ जाता है दिन रात पढ़ पढ़ के. आई वांट टू नो इफ वेट इज एन इशू फॉर एजुकेशन. My boy is in KG in kids campus. When will he appear for HSN test? You should ask your teachers. If he's in KG, इसका मतलब है अगले साल वो फिर appear होगा. अच्छा किस academy में ज़्यादा था वो? मेरे निशा के पास आता था. इनकी कोई academy आपकी academy का? Coach up है but it's not an academy. As I mentioned, 6 to 8 students होते हैं, so it's not an academy per se. But yeah, yes. Which tuition is the best? बहुत सारी ट्यूशन हैं जो आपके बच्चे को ठीक लगे, जो आपको ठीक लगे आप उसमें डालें. बट एक और मैं आपको बात बताऊँगी, अगेन टीचर के एक्सपीरियंस भी होता है और टीचर का पढ़ाने का स्टाइल भी होता है, वो डिफरेंट लोगों को डिफरेंट तरीके से सूट करता है. जो आपको सूट करे, whatever works best for your child. What is the appropriate grade of your child to get in? Grade 2 is your best chance to get in. Grade 2 or grade 7. अच्छा, grade 3, grade 4
फोर फाइव के लिए होते भी हैं जब एडमिशन, तो देर लाइक थ्री और फोर सीट्स हार्डली। और आपको पता है कि पाकिस्तान से लोग अप्लाई करते हैं और सिर्फ तीन या चार सीट्स होती है, तो उसमें चांस बहुत कम होता है। हाँ, लेकिन ये भी मिसकंसेप्शन है कि शायद लाखों में अपेयर होते हैं। आई थिंक ग्रेड टू में अराउंड 500 किड्स अप्लाई। English, math and Urdu का पेपर 2 साल से exempt हुआ है because of corona. ज़्यादा focus English और math के पेपर ही generally होता है, लेकिन इस साल उर्दू exempt था, last year भी ज़ारियाँ तो उर्दू exempt हो गया था। नेक्स्ट ईयर आई डाउट उर्दू एग्जाम होगा, क्योंकि अब जो नेशनल करिकुलम आया उसमें भी 4 सब्जेक्ट्स आर इन उर्दू, सो आई डाउट कि उर्दू से इतना, आई थिंक उर्दू पे अब सबसे ज्यादा फोकस होगा। हां, मतलब उर्दू में मैं तो आई वाजंट प्रिपेयर्ड उर्दू के लिए, और जब वो टेस्ट उन्होंने याद है आप मुझे कहते थे कि हम उर्दू आखिर में करेंगे, बिकॉज पहले 20 पे जो इंग्लिश और मैथ, इंग्लिश मैथ पे ज्यादा फोकस रखें, लेकिन उर्दू भी अगले साल एग्जाम नहीं होगी। और मुझे बस सिर्फ ये लगता है कि उर्दू लिखना मुश्किल थोड़ा सा जरा काम है वो बच्चों के लिए, लेकिन आई थिंक इंग्लिश मैथ पे आपको बड़ा इंटरेस्ट है, वो उर्दू का मास्टर होने वाला है, उर्दू अगले साल के एग्जाम नहीं हो गया। अच्छा, मैं आपको सरप्राइज, आई थिंक वो इतनी मेहनत करा देते हैं टेस्ट के अंदर ही इंग्लिश और मैथ के ऊपर कि अब एजेसन जब अगले 2 साल उसको कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा। नहीं, और वो उर्दू पे इतनी मेहनत करा रहे हैं, उसकी उर्दू की जितनी क्लासेस होती है उसकी जो मेन क्लास टीचर है वो भी उर्दू टीचर है, और उर्दू बोलना यू नो लिखना एंड मैं उसकी कम्युनिकेशन से आप इम्प्रेस हो गई हूँ, क्योंकि यू नो आप उसको उर्दू में बहुत अच्छा वो कम्युनिकेट कर रहा है, उसको पढ़ना आ गया है बड़ा अच्छे तरीके से, जैसे कि पहले वो नहीं करता था। तो वहाँ पर बहुत ये नहीं है कि वो एक गोरा स्कूल है वहाँ पर जाके आपको उर्दू नहीं सिखाएंगे, वहाँ पर बहुत अच्छी आपको उर्दू बच्चे को करा रहे हैं। अच्छा, अब ये है जी, व्हाट काइंड ऑफ पेरेंट्स एंड किड्स डू दे एक्सपेक्ट बेस्ट एट इंग्लिश लाइक स्पीकिंग इंग्लिश, लेकिन बच्चों की तो इंग्लिश देखते हैं, बच्चों की तो इंग्लिश जाहिर है वो गेज करेंगे, असेस करेंगे एग्जाम में। हाउ टू प्रिपेयर टेस्ट फॉर 9th क्लास, 9th मुझे इतना आईडिया नहीं है, 7th में लेते हैं, 9th आई एम नॉट श्योर। अच्छा, एचएसएल हॉस्टल्स कभी आपने देखे? मैंने नहीं देखे, लेकिन हॉस्टल्स में यूजुअली ग्रेड 1 ग्रेड 2 में लेते हैं वो, ग्रेड 1 और 2 में। हां, लेकिन आप ये नहीं करवा सकते कि कुछ माई कहते हैं हम, क्योंकि जनरली इजियर है एडमिशन को हॉस्टल से, अभी हम करा दें और फिर अगले साल हम डे स्कॉलर। हाँ, वैसे ये भी बड़ा अच्छा, ये नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, कर सकते हैं, क्योंकि इसका तो सब अप्लाई करें। और मैं तो हॉस्टल भेजूँ एक साल के लिए, उसके बाद जनरली फिर आप स्विच नहीं कर सकते, मैं डलवा देता हूँ अगले साल में इसको, 5 साल ये मुझे नहीं पता, ये जैसे नहीं बेहतर बता सकते, लेकिन वो भी बहुत चलाक है। अच्छा, ये मेरी स्कूल में प्रिपरेशन, हाउ इज द जर्नी, टेस्ट कैसा था, क्या होता है। माय सन इज 2.5 इयर्स ओल्ड ओनली, बट आई वांट टू नो अबाउट एवरीथिंग रिलेटेड टू, जब आपका बच्चा 3.5-4 साल का हो जाए तब आप टेस्ट। टेक एन एक्टिव इंटरेस्ट इन लर्निंग, ये नहीं है कि आपने बहुत पढ़ाने, लेकिन टेक एन एक्टिव इंटरेस्ट इन व्हाट दे डूइंग इन स्कूल। As I said, reading पर बहुत focus रखें, if they're good readers, I assure you they will get in. ये ना expect करें कि reading zero हो और जी marks और past papers करके कोई miracle हो जाएगा। If they're bad readers, मैं तो जवाब दे देती हूँ बल्कि children who can't read well, उनके parents को मैं पहले ही बता देती हूँ कि इनका बहुत मुश्किल है। और अब हम एक important बात करते हैं, fee। बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि HSN की fee structure क्या है, तो बताएं आप fee structure क्या है? Fee structure Almost double yeah, compared to the other mainstream schools like LGS, Beacon House, almost double. और जो like अगर आपको precisely चाहिए तो आपका 38-39,000 बनता है। 39,000-40,000 per month. और अगर आप उसके अभी presently आगे कुछ पता है, हर साल increment भी होता है। और अगर आप उसके अंदर अपना fuel डाल देते हैं और अपना ये other खर्चे डाल देते हैं तो आपका 50,000 कहीं नहीं जाता, और ये एक एक्सपेंसिव अमाउंट है। ये एक प्रेशर भी है आई थिंक सोसाइटी पे, बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूँ जिनको एक प्रेशर होता है, क्योंकि यू नो उन्होंने अपने बच्चे को टॉप स्कूल में भेजना है, अपने बेशक उनको मकरूज होना पड़े, इस तरह नहीं होना चाहिए। आई थिंक ये प्लीज़ मत करिएगा अपने साथ, अपने मेंटल पीस के लिए, अपने बच्चे के पीस के लिए ये मत करिएगा। ठीक है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो इट्स अ ग्रेट प्लेस, अदरवाइज देयर आर लाइक इक्वली ग्रेट स्कूल्स जो कि आपको हाफ प्राइस में मिल जाते हैं,
और इसमें ये दोनों आप हम बता सकते हैं कि ओके यू नो कि किस तरह से ओके जस्टिफाई कैसे करता है जो इस सारी चीज को, वो उसके अंदर यूनिफॉर्म की फी भी इंक्लूडेड होती है इसके अंदर? मोस्ट पेरेंट्स वुड आर्ग्यू अगेंस्ट इट. अच्छा, दे वुड थिंक इट्स नॉट जस्टिफाइड एट ऑल, बट अगेन आई थिंक इट वेरीज बिकॉज इट इज अ सब्सटेंशियल अमाउंट. 50,000 पर मंथ इज अ लॉट. और उसके अंदर आई थिंक मुझे याद है स्पेशली इफ यू हैव मोर देन वन किड हु इज एन एज सेम, फिर वो एक आपका अगर बेटा है तो फिर ठीक है, अगर दो तीन है तो फिर बस फिर आप रेडी हो जाए, खूब मेहनत करें, खूब कमाएं और बट ऑन दैट नोट मुझे याद है कि मैंने सा उन्होंने जब एक हमें एडमिशन का दिया था, जब पेपर्स दिए थे कुछ रीड करने के लिए, तो उसमें ये भी लिखा था कि अगर आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम दिखाते हैं उसके अंदर, हाँ इस साल बल्कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हर साल मांगते हैं, तो पेरेंट्स हु कुड नॉट अफोर्ड उन्होंने उनको वापस भेजा है लेटर के, लुक वी थिंक यू कैन नॉट अफोर्ड द पे स्ट्रक्चर सो इट्स बेस्ट इफ यू डोंट अप्लाई. आई थिंक वो एक ये बताना ही स्पेल आउट आई थिंक इट्स गुड थिंग. हां बिल्कुल. और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, दूसरी बात ये कि वहां पर ये कुछ स्कूल्स में होता है ना कि वो आप स्पॉन्सरशिप मिल जाती है या वो फी वेव कर देते हैं, यहां पर ये नहीं होता. सो और वो कोई इसका कोई भी वो नहीं सिस्टम नहीं है कि आप कभी ना कभी आपको कोई डिस्काउंट मिल जाएगा, कंसेशन मिल जाएगा, वो नहीं मिलता. इस वजह से पहले ही वो बता देते हैं कि बिकॉज आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसी लग रही है तो आप एक बार दोबारा सोच लें. और यूजली स्कूल्स कोरोना में मंथली फी करना शुरू कर रहे हैं, ये इकट्ठे क्वार्टरली लगता है, ये ऐसा नाम बस एक सिस्टम में देयर सेंडिंग क्वार्टरली. हां आई थिंक मैं वैसे एज अ पेरेंट मुझे लगता है कि जस्टिफाइड होता अगर रोज स्कूल बच्चे जा रहे होते हैं, अभी वो ऑल्टरनेट डेज पे जा रहे हैं और छुट्टियों में छुट्टियां आती हैं, जब छुट्टियां आती हैं मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे लगता है कि उफ ये क्या कर दिया. लेकिन ये आई थिंक सेमी गवर्नमेंट है ना, प्राइवेट भी नहीं है, गवर्नमेंट भी नहीं है, तो इस पे इन पे रूल्स अप्लाई होते भी नहीं, उन्हें करते भी नहीं. जो फी रिडक्शन के रूल्स थे जो बोर्ड ने कहा था करें, एजुकेशन लेने लगे, जो मैं करती थी अपने बेटे के साथ पेपर बनाया और उसको फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड के घर ड्रॉप कर दिया कि तुम इसका पेपर ले लो. अनफेमिलियर एनवायरमेंट्स, फॉर दैट रीजन मॉक्स भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मॉक्स भी बहुत ज्यादा मत करवाएं क्योंकि मॉक्स आई थिंक टू आर मोर देन इनफ. ओ मॉक्स, मॉक्स जो कि मॉक्स बड़े एक्सपेंसिव मॉक्स होते हैं, जो कि बहुत सारे ट्यूशन सेंटर्स जो कि बहुत मशहूर ट्यूशन सेंटर्स हैं उनकी टीचर्स मॉक्स दिलाती हैं. मैं पर्सनली सजेस्ट अपने बच्चों को सजेस्ट नहीं करती है मॉक्स, तो क्योंकि एक तो कुछ टीचर्स बहुत मुश्किल मार्क्स बनाते हैं और मैं ऐसे वहाँ बैठ जाते हैं रोते हैं कि बच्चा फेल हो गया उसमें गलत पढ़ा है कुछ नहीं आता, तो आई मॉक्स से कुछ लर्निंग नहीं होती. मॉक्स आप एक को करवा लो फॉर दिस पर्पस कि बच्चा एक. सो बहुत सारे लोग मॉक्स दिलाते हैं अपने बच्चों को और उसमें होता है कि बहुत बड़े बड़े जो ट्यूशन सेंटर्स हैं जो कि बहुत मशहूर हैं उनकी टीचर्स भी बहुत मशहूर हैं, वो मॉक्स बनाती हैं बच्चों को जस्ट टू गिव देम टीज़र कि ऐसा ये ऐसा टेस्ट रहेगा एचएसएल का. सो आप रिकमेंड करती हैं वैसे कि लेना हो वाले मॉक्स? मेरा ये ओपिनियन है कि मॉक्स ज़रूरी नहीं है. मॉक्स से लर्निंग कुछ नहीं होती. द ओनली पर्पज ऑफ मॉक्स जो मेरी नज़र में है कि आप बच्चा नई जगह जा रहा है, अगर वो खुशी खुशी जा रहा है खुशी खुशी आ रहा है तो पर्पज हैज बीन अचीव्ड. यूजुअली बच्चे वो भी होते हैं नई जगह जाके डर जाते हैं रोते हैं, उनके लिए मॉक्स काम आते हैं कि यू नो दे आर लाइक मोर कंफर्टेबल गोइंग टू न्यू प्लेसेस. अदरवाइज आई थिंक इट्स मॉक्स आर अ बैड आइडिया एंड दे आर आल्सो वेरी एक्सपेंसिव. एक्सपेंसिव एंड सम ऑफ द टीचर्स मेक मॉक्स एक्सेसिवली हार्ड. और मैं मदर को जानती हूँ जो लाइक शी वाज वेरी डिस्करेज, उसका बच्चा फेल हो गया था, शी वाज लाइक कि अब मैं क्या करूँ, मैं इतनी सारी मेहनत जाया होगी, मैं सोच रही हूँ कि इसको मैं रहने देती हूँ. मॉक्स आई थिंक टू आर मोर देन इनफ. उससे ज्यादा अभी इस साल बच्चे हैं जो हर हफ्ते माइंड लेके जा रहे हैं कभी इधर कभी उधर कभी इधर. मॉक्स से लर्निंग कुछ नहीं होती, दिस इज समथिंग आई बिलीव. और मॉक्स तो वो देते भी नहीं आपको, यूजुअली टीचर्स कहते हैं आके आप चेक कर लें, गलतियां लिख लें, वीक पॉइंट्स किस तरह आइडेंटिफाई हो सकते हैं घंटे के पेपर में. जितने वीक पॉइंट्स आपकी टीचर जानती है या मदर जानती है वो मॉक्स वाली टीचर नहीं आइडेंटिफाई कर सकती. और बच्चे जाके सिली मिस्टेक्स भी कर लेते हैं, जैसे एक बच्चा बहुत लाइक है टू का टेबल गलत लिखाया था एक क्वेश्चन, दैट डजंट मीन हिज टेबल्स आर वीक. तो वो बच्चों को डराना और माए खुद भी बहुत डर जाती हैं और फिर बच्चों को आगे से वो और धमका दिए डरा दिए. आई थिंक मॉक्स आर अ बैड आइडिया. Two are more than enough. अगर करवाने भी हैं तो ज़ाबिया ने तो कोई मॉक नहीं किया था. ज़ाबिया का जो
घर ना गया हो वहाँ जाके वो पेपर करके आए और बस कोई उसको विजिलेंट प्रेजेंट हो जहाँ मैं नहीं प्रेजेंट किया जहाँ अदर नहीं थी मैंने पेपर्स दिए थे मैंने कहा नो नीड फॉर मॉक्स टेक दिस पेपर्स एंड जस्ट गो टू पीपल ही डजंट नो और वहाँ बैठ के बस ये पेपर अटेम्प्ट कर लो टाइम कर लेके जी आपके पास 50 मिनट्स है दैट वाज वेरी यूजफुल सो या दैट वाज यूजफुल सो यू डोंट नीड 15-20 हज़ार के मॉक्स इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप अपने कजन के घर में भेज दें क्योंकि कजन के घर नहीं भेजें किसी ऐसे फ्रेंड या किसी एक्वेंटेंस के घर जहाँ पे वो पहले कभी ना गया एग्जैक्टली ताकि एक अनफेमिलियर जगह पे वो जाए और उधर जाके परफॉर्म करके आए एनीवेज आई होप कि ये सेशन आप लोगों के लिए यूजफुल रहा हो और आप इसको देखें आप इसको आई थिंक हमने बहुत कोशिश की है कि अपने सारे क्वेश्चन को हम आंसर कर सके मेरे साथ थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आई होप दिस वाज प्रे फॉर माय क्लास टू सी इंशाल्लाह इंशाल्लाह लास्ट टाइम भी यू नो एंड तक जब पेपर हो रहा था तब भी मेरे साथ मुझे फोन आ रहे थे और मिस बीनिश के भी फोन आ रहे थे सो ये एक बड़ा अच्छा बड़ा मजे का कनेक्शन है जावेर अभी भी आपको बहुत याद करता है वॉइस नोट्स भेजता है and aap because itsen ja rahi hoti hai to aap bhi itsen mil leti hai I hope this session was useful for you please keep commenting engaging and sharing agar aap isko share karenge aise mothers ke sath jo ki already bachon ko prepare kara rahi hain to unke liye bhi useful hoga miss parents sir thank you so much for taking out your time and answering all the questions jo ki aaye hue the hame it was very useful and we hope ki hum aainda bhi aapke liye aisa content banate rahe jisse aapko fayda ho aur aapko ye educational bhi ho